ये खूबी है महेंद्र सिंह धोनी की, दबाव अब पड़ चुका है इरंगा पे और वो ज्यादा अनुभवी है नहीं, इसका फायदा उठाएंगे या भारतीय कप्तान। हमला फिर होगा, एमएस धोनी तैयार, सीधी शॉट, 6 रन्स, फ्लैट। भगवान धोनी को ये बकचोदी झेलने की शक्ति दे। तो क्या हाल है आप सबका? जैसे कि हम सब जानते हैं क्रिकेट के शौकीन लोग हर देश में पाया जाता है और इस शौक के रंगीन नजारे हम टिकटॉक में भी देख सकते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता कि टिकटॉक क्या है तो भाई तुम इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो। खैर एक्स्ट्रा बकचोदी का तड़का यही पे खत्म करते और शुरू करते हैं वीडियो। बहुत खूब बहन के भाइयों, सस्ते जुगाड़ लगाना कोई इनसे सीखे। बैकग्राउंड में ताऊजी की लुंगी से लेके फूफा जी की पैटी कोट तक लटकी हुई है, इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें बस वीडियो बनाने से मतलब। और कमाल की बात तो ये है, ये बकचोदी लोग खुशी खुशी देखते हैं, इससे ये साबित होता है कि पॉपुलर होने के लिए टैलेंट की नहीं बकचोदी की जरूरत है। बिल्कुल सही भोसड़ी के, अभी गांड में घुसा दे उसके बॉल। लोगों के पास दो बॉल्स होते हैं, ये दुनिया का पहला बंदा होगा जिसके पास तीन बॉल्स होंगे, दो लटके हुए और एक काली घाटी के गुफा में। इसके बाद तुम लोग फेमस नहीं वर्ल्ड फेमस कहलाओगे। भैया सोचने की बात तो यह है कि वो बॉल वाला आदमी उसके बाद टट्टी कैसे करेगा। भोसड़ी के कतई मामा हो रखा है तो उसका, ये कुत्ते की तरह दौड़ के आ रहा है हमारे गरीबों का अश्विन। अबे भोसड़ी के आगे मत जा, वो आउट कर देगा। और यार ध्यान से देखो ये बॉल इसने फेंका कहाँ है, जिस दिशा में तूने ये बॉल फेंका है ना, पक्का बैट्समैन के 150 फुट ऊपर से गया होगा। बहनचोद वीडियो बना रहे हो, कम से कम कुछ तो रियलिटी दिखाओ। Can't get closer than this. What was going through your mind in that last over? Well, we just needed the bowlers to bowl at the right spot, but not to forget, you know, they are under tremendous pressure. I think they did really well to mount the. इंडिया की दादियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बेकार लौंडे टिकटॉक हीरो बनने के लिए दादियों पे हमला बोल रहे हैं। और ये साला माइक के नाम पे झाड़ू, दूसरा कोई जुगाड़ नहीं मिला क्या? कॉमेडी के नाम पे क्या क्या बकचोदी पेलते हैं लोग। फिर से गेंदबाज तैयार अगली बॉल के लिए, और ये क्या, ये तो चाइना मैन का स्टाइल लग रहा है। जिस तरह देख रहे हो इनकी हरकतें, अले सुअर की टट्टी जब ज्यादा मात्रा में फूका जाता है ना तब ये हरकतें करते हैं लोग। कॉमेडी के नाम पे तुम जो बकचोदी पेलते हो ना उसे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। तरीके से बॉलर अपने हाथ को घुमाते हुए, लगता नहीं है कि इतना आसान बॉल ये डालेंगे, काफी खतरनाक बॉल ये। अबे किस जानवर ने काटा है तुझे, जिस रफ्तार में ये अपने हाथों को घुमा रहा है मुझे तो लगता है अभी इसके गांड से ज्वालामुखी निकलेगा और ये मंगल पहुंच जाएगा। और बहनचोद शक्ल तो देखो एम्पायर का, ऐसी शक्ल देखने के बाद काली कुत्ते भी अपने रूप पे घमंड करने लगती है। तो यार आज के लिए बस, अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।